तो नरेश पटेले दिल्ली में कांग्रेस ना नेताओं साथे मुलाकात करी छे। नरेश पटेल दिल्ली थी राजकोट आवा रवाना थई चुक्या छे। राजकारण में जोड़ावाने लईने अटकळो हवे वधु तेज बनी छे। मे महीना में जोड़ाई शके छे। राजकारण में नरेश पटेले त्रणेय पक्षना अध्यक्षों साथे मुलाकात करी छे। कया पक्ष में जोड़ाशे ते अंगे सस्पेन्स हजु पण यथावत छे। त्यारे वात करीए कांग्रेस ना नेताओं साथे तेमणे मुलाकात करी छे। राजकोट परत आवा हवे दिल्ली थी रवाना थई चुक्या छे। तेमना राजकारण में जोड़ावाने लईने अटकळो छे ते हवे वधु तेज बनी छे। परंतु कया पक्ष में जोड़ाशे ते अंगे सस्पेन्स हजु पण यथावत जोवा मळी रह्यु छे। वधु विगत साथे संवाददाता अंकित पोपट जोड़े चुक्या छे। अंकित, छेल्ला केटलाक समयथी बस आ वात चाली रही छे कि नरेश पटेल राजकारण में जोड़ाशे अने हवे तमाम जे पक्षना अध्यक्ष छे तमाम साथे तेओ वात पण करी चुक्या छे अने परत राजकोट आवी रह्या छे, परंतु सस्पेन्स हजु पण यथावत जोवा मळी रह्यु छे कि ते कई पार्टी में जोड़ाशे। जी अंकित, खास करीने वात करवामां आवे तो जे प्रमाणे मार्चना अंतिम सप्ताहनी अंदर नरेश पटेले एक प्रेस कॉन्फरन्स करी हती। प्रेस कॉन्फरन्सनी अंदर तेने जणाव्युं हतुं के जे खोडલધામની જે સમિતિ છે તે 15મી એપ્રિલ સુધીમાં પોતાનો રિપોર્ટ છે તે સબમિટ કરશે અને ત્યારબાદ એપ્રિલના ત્રીજા વીકની અંદર હું જાહેરાત કરીશ કે હું આખરે રાજકારણમાં પ્રવેશ કરીશ કે કેમ, રાજકારણમાં પ્રવેશ કરીશ તો કઈ પાર્ટીમાં પ્રવેશ કરીશ। परंतु कही सकते कि समय वीती चुको है त्यारबाद हजू पे सस्पेन्स है यथावत चाली रू है। आ बाबत जवाब खुद नरेश पटेले ज आप सके तम है कि आखिर कई पार्टी साथ जोड़ना है क्यारे जोड़े। खास कर बात करो अत्यारे जे अपडेट मिली रहा है तो प्रमाण गई काले दिल्ली में कांग्रेस हाईकमांड साथ बैठक योजी थी और बैठक बाद आज रवाना थी रहा है। मे महीना प्रथम वीक आसपास राजकारण में जोड़ाई शके छे। नरेश पटेल ने कही शकाय कि राजकारण में जोड़ावाने लईने वधु एक तारीख पे तारीख जेवो काट छे ते सर्जाई चुक्यो छे। अत्यार सुधीनी जो वात करवा तो नरेश पटेल छे ते कांग्रेस भाजप अने आम आदमी पार्टी त्रणेय पार्टीना प्रदेश अने राष्ट्रीय कक्षाना नेताओं साथे गुप्त मीटिंग पण करी चुक्या छे, साथोसाथ डिनर डिप्लोमेसी पण छे ते पण करी चुक्या छे। जी प्रीति, अंकित बात करिए क्या क्या अन्य पक्षों दरेक पक्ष साथे बात कर चुक्या है, दरेक पक्ष अध्यक्ष साथे बात कर चुक्या है, गई काले जी रीते बैठक करीने आव्या छे अने अटकळो पण वधु एवी ते छे कि तेओ कांग्रेस साथे जोड़ाई शके छे तेवी अटकळो छे। गई काले जे बैठक छे ते पण कांग्रेसना नेताओ साथे ज हती। चोक्कस प्रीति, खास करीने वात करवा तो जो नरेश पटेल कांग्रेस साथे जोड़ाशे तो तेमां कोई नवी बाबत एटला माटे नथी, कारण के नरेश पटेल अगाउ पण कांग्रेसना उम्मेदवारों माटे प्रचार प्रसार करता नजरे पड़िया छे। 2009 लोकसभानी जो बात करवा आवे तो 2009 लोकसभानी अंदर राजकोट सीटनी जो बात करवा आवे तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किरण पटेल ने उभा राखवामां आव्या हता अने तेनी सामे कांग्रेस द्वारा कोळी समाजना नेता कुंवरजी बावड़िया ने उभा राखवामां आव्या हता। 2009 नी अंदर पाटीदार उम्मेदवार ने हरावा माटे खुद नरेश पटेल छे તેમણે કોંગ્રેસનો સાથ આપ્યો હતો ને કુંવરજી બાવળિયા છે તે 2009 ની લોકસભાની જે ચૂંટણી છે તે જીત્યા હતા। બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે તો અગાઉ પણ તેઓ અને તેમનો પરિવાર છે તે કોંગ્રેસ સાથે રહ્યો હોવાને અનેક પુરવાર પણ થયું છે। ખુદ લલિત ગગથરા કે જેઓ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે તેઓ પણ કહી ચૂક્યા છે કે નરેશ પટેલ નો જે કોંગ્રેસ સાથેનો સંબંધ છે તે રાજકોટના રાજવી કહી શકાય કે મનોહરસિંહ જાડેજા વખતનો તેમનો સંબંધ છે। જી પ્રીતિ, बिल्कुल अंकित, आभार आपको जानकारी आप बदल।